मेरी एक फिल्म है, मेरे पिताजी बने थे और इतने दुष्ट थे। वैसे बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग, लेकिन बाप बेटी का रोल कर रहे थे। जवाने में मुन्ना भाई डायरेक्टर साहब ने हमको दे दिया था बाप का रोल, लेकिन मजा आया, बहुत अच्छा किया। मतलब आपने मान लिया कि आप बूढ़े हो गए ना। छोटका भैया जिंदाबाद पिक्चर थी, मनोज तिवारी जी थे। बहुत अद्भुत काम किया था हम लोगों ने उसमें। और लेकिन अभी ट्रैक से मत हटाइए, कहना ये है कि आप लोग हम लोग को चैलेंज दे रहे थे। कौन बोला? हमारे कुछ विलन्स मित्र हैं जिन्होंने कहा था, बीच कुछ ऐसे लोग हैं अगर कान के हम भी हैं, उधर से बोला गया बहुत, कौन ध्यान दे रहा है, खत्म ना। अच्छा छोड़िए, एक बात बताइए, कैसा लगा आपको हमारा परफॉर्मेंस? सुपर, कसम बता रहा वाह, और बहुत टफ था। ठीक है, हमने एक्ट किया, एक्टर से तो उसमें जो मूवमेंट आप लोग का बहुत टफ था, वन बाई वन। और सबसे बड़ी ये थी कि मतलब कोई ये नहीं कि रोज करने वाले हैं ना, एकदम से आपको डांस मिला, ये मिला, मूवमेंट बहुत अच्छा, कोरियोग्राफ बहुत अच्छा किया गया था और सबने बहुत अच्छा किया, वाकई बहुत अच्छा। और एंड में बहुत इमोशनल था, कहता है जोकर सारा जवाना, इस गाने में मैं जब भी सुनता हूँ रोता हूँ और रो रहा था मैं हल्का सा। एक्चुअली ये सब मजाक जोक्स है, विलन्स ने तो कमाल कर दिया, मैं इतना हंस रही थी आप लोगों को देख करके, सच्चाई थी। और इस बार का प्रोग्राम ये दो आइटम रहने से ना एक बूस्टर के लिए, अगली बार हम लोग इस तरह से कुछ और नई चीज़ें लेके आएंगे ताकि हमारे दर्शक देख सकें और इंशाल्लाह हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बड़े बड़े मंच पे अवार्ड शो करे, नाम हो और हमारा हम लोग मंच में जाएं और संस्कृति और जो सभ्यता है हमारी फिल्मों के जरिए, अवार्ड के जरिए। और रोजा जी ऐसी अगर क्या बोलते हैं मेहनती कलाकार और पकड़ पकड़ के काम कराने वाली तो और भी अच्छा हो जाएगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। और हम लोग को तो एक्चुअली गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहिए कि कितना हर साल लोग अवार्ड शो करते हैं और चले जाते हैं, और हिम्मत है इनकी, लेकिन हिम्मत है और दिल से करते हैं हम लोगों के लिए, ईमानदारी से करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यही कारण है कि आज जो है विनोद गुप्ता जी का ये अवार्ड फंक्शन हमेशा नंबर वन पर रहा है और रहेगा, इंशाल्लाह रहेगा। और हम लोग उनको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, कलाकार कहीं भी बिजी रहेंगे उनके अवार्ड शो में हम लोग आएंगे। और इस बार का बहुत इंटरेस्टिंग था, मजाक कर रही थी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्या बोलता हूँ इमोशनल था। और आपका सिर्फ गाना नहीं था, हाँ। उस गाने में जो हंसाने वाला, मेरा नाम जोकर, तो जिन लोगों ने देखा होगा पहले कि घर में कोई भी ट्रेजेडी हो लेकिन आपको पब्लिक को हंसाना है, yes. चेहरे पे मास्क बनाना है और आपको करना है, तो ये जोकर। और सर संभावना जी ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, कमाल, संभावना जी और रानी, उफ, और क्या बात थी उन दोनों का जो भी हुआ ना साथ, हाँ। और समाना जी के जो हस्बैंड है वो तो कमाल है, इज टू गुड कमाल है, नंबर हिज सुपर, सब ने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और थैंक यू सो मच, थैंक यू पिताजी, थैंक यू दीपक सिन्हा। प्लैनेट भोजपुरी।